दोस्तों, आपके पास रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है और उसमें नेट नहीं चल रहा है, यानी कि रियलमी स्मार्टफोन में इंटरनेट है वो नॉट वर्किंग है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से रियलमी की किसी भी स्मार्टफोन में नेट नहीं चल रहा है उसे सही कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, सिंपल सी सेटिंग होती है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं बड़ी सेटिंग होती है, आप कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले आपको ये देखना है आपके फ़ोन के अंदर जो सिम है उसका इंटरनेट बचा है कि नहीं बचा है, ठीक है, ये आपको देखना है, और डाटा पैक उसमें है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए सिंपल से आप अपना कोड डायल कीजिए, ठीक है, जो भी आपकी सिम हो, ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आपके पास डाटा भी है फिर भी नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपल से एक सेटिंग करनी हो। सबसे पहले मेन सेटिंग होती है एयरप्लेन मोड, ये आप इस तरीके से एक बार प्रेस कीजिए, फिर से आप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप यूट्यूब पर ही जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ। अब आपको देखना है यहाँ पर, ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पर इंटरनेट वर्किंग है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों, दूसरी सेटिंग क्या है, आपको सिंपल से अपने मोबाइल की सेटिंग में ही जाना है। यहाँ पे आपके फ़ोन में हो सकता है ऑल नेटवर्क, या आपके फ़ोन में हो सकता है सिम कार्ड एंड वॉल डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपकी जो भी सिम हो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने कर ली है। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करेंगे या थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इसे आप रीसेट एक्सेस पॉइंट कर लीजिए, ठीक है, ये मैंने कर दी है। उसके बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है ऑपरेटर का, ठीक है, या फिर आपके फ़ोन में कैरियर का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑन है तो ऑन बना रहने देना है, ऑफ नहीं करना है इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाईफाई कॉलिंग आप बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद डाटा रोमिंग ऑन कर दीजिए, ठीक है। बस आपको इसके अंदर यही करना है और कुछ ज़्यादा आपको यहाँ नहीं करना होता है, ये करना है आपको, ठीक है। मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, आपका 100% हो जाएगा सही, ठीक है। फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट करेंगे वहाँ पे कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। लास्ट में एक सेटिंग और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में ही जाएंगे और यहाँ पे आपको देखना है एडिशनल सेटिंग, या फिर होगी आपके फ़ोन में सिस्टम सेटिंग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको देखना है बैकअप एंड रीसेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ इरेज़ ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट हो सकता है या फिर रीसेट फ़ोन हो सकता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर लेना होगा, ठीक है, और रीसेट ऑल सेटिंग, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है, ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो फिलहाल मैं लेता हूँ इस वीडियो में, बता आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो गई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।